हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा जारी है। कल हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मारा था। आज शोपियां में 4 आतंकवादियों को और मार गिराया गया है। घर से उठता धुआं और गोलियों की तड़तड़ाहट। तस्वीरें दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के पिंजौरा की हैं, जहां इस घर में छिपे 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। तड़के 4 बजे आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के लिए घेराबंदी शुरू की थी और सुबह का सूरज दिखने तक चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मौके से चारों आतंकियों के शव और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इससे पहले शोपिया के ही रेवन गांव में कल 5 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया था। एनकाउंटर खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2 दिन के भीतर हिजबुल के 9 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 टॉप कमांडर हैं। 2 हफ्ते में 9 ऑपरेशन को अंजाम देकर 22 आतंकियों को खत्म किया जा चुका है, जिनमें 6 टॉप कमांडर थे। दर्जनों बेगुनाह लोगों का कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ऊपर हमले, लोगों को डराना धमकाना, जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसना, इस तरह की बहुत सारी इल्जामात की फिरस्त उनके खिलाफ है, जिसके चलते मैं जो समझता हूँ कि उस खत्ते में, खासतौर पे साउथ कश्मीर में जहाँ पर जो ऑपरेशंस हुए हैं, लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 101 आतंकी मारे जा चुके हैं।